अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। छेदी सिंह, हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले। और फिल्म दबंग का यह डायलॉग सुनकर भले ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हो, लेकिन हकीकत में यदि किसी पर 400 गोलियां बरसाई गई हों तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दिमाग यही सवाल करता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा हुआ है और अंजाम दिया उस मुन्ना बजरंगी ने, जिसके दहशत व आतंक उत्तर प्रदेश की सीमा को पार कर कई राज्य तक पहुँच गया था, जिसे बागपत जिला जेल के सुरक्षित चार दीवारी में गोलियों की कोई कमी नहीं है, यह दर्शाते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। मुन्ना बजरंगी जिस तरह लोगों को चूर्ण की पुड़िया की तरह गोलियां बांटता फिर रहा था, ठीक वैसे ही उसके शरीर में और शव में 10 गोलियों का पीतल भर दिया गया। शव इसलिए कि कई गोलियां मुन्ना बजरंगी को मारने के बाद मारी गई। मुन्ना बजरंगी को जेल की सुरक्षित चार दीवारी में किस षड्यंत्र के तहत मारा गया, अब इसकी जाँच CBI से कराने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। बागपत जिला कारागार में जिस तरह से मुन्ना बजरंगी की हत्या को अंजाम दिया गया था, उसने एक बारगी उत्तर प्रदेश की जेलों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए थे। वहीं जेल में हुई हत्या के इस मामले को गंभीर बताते हुए तत्कालीन गृह सचिव ने बागपत जेल के जेलर उदय प्रताप सिंह को बर्खास्त कर दिया था। 9 जुलाई 2018 को जिस दिन मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई, उसे बसपा के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के मामले में बागपत अदालत में पेश किया जाना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्रा की डिविजन बेंच ने जारी किया है। इस कांड में हत्या का आरोप गैंगस्टर सुनील राठी पर लगा है। 29 नवंबर 2005 को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने गाजीपुर से भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया। उसने अपने साथियों संग लखनऊ हाईवे पर कृष्णानंद राय की दो गाड़ियों पर AK-47 से 400 गोलियां बरसाई थी। इस हमले में विधायक के साथ चल रहे 6 अन्य लोग भी मारे गए थे। पोस्टमार्टम के दौरान हर शव से 60 से 100 तक गोलियां बरामद हुई थी। इस हत्याकांड ने सूबे के सियासी हलकों में हलचल मचा दी। हर कोई मुन्ना बजरंगी के नाम से खौफ खाने लगा। इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो मोस्ट वांटेड बन गया था। इस हत्या के करीब 2 साल बाद 2009 में मुंबई से मुन्ना को गिरफ्तार किया जा सका था। बजरंगी की हत्या के बाद तत्कालीन जेलर UP सिंह ने खेकड़ा थाने में कुख्यात सुनील राठी को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। और उसी रोज मुन्ना की पत्नी सीमा ने पूर्वांचल के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, रिटायर्ड CEO JN सिंह, उसके पुत्र प्रदीप सिंह व ठेकेदार विकास आदि को नामजद करते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने इस तहरीर को अपनी जांच में शामिल करते हुए सुनील राठी को छोड़ बाकी सभी को क्लीन चिट दे दी थी। इससे सीमा सिंह संतुष्ट नहीं थी और इसके खिलाफ ही उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए हत्याकांड की CBI जाँच कराने की मांग की थी, जिस पर न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने सीमा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हत्याकांड की जांच CBI से कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने मुन्ना को बागपत लाने व जेल में पिस्टल पहुंचाने के मामले में अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने के आदेश दिए हैं। दरअसल मुन्ना को रविवार की देर रात झांसी जेल से बागपत जेल लाया गया था। उसे सोमवार को बागपत कोर्ट में पेश किया जाना था। उसे तन्हाई बैरक में कुख्यात सुनील राठी व विक्की सुहेड़ा के साथ रखा गया था। सुबह ही मुन्ना को मौत की नींद सुला दिया गया। इससे पूर्व ही सीमा ने पत्रकारों के समक्ष बजरंगी की हत्या की आशंका जता दी थी। उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला देने वाले इस हत्याकांड की भूमिका बागपत जेल में करीब 1 माह पूर्व ही बन गई थी। बताया जा रहा है कि सुनील राठी को इसका जिम्मा दिया गया था और उसके गुर्गे रोबिन ने पिस्टल जेल के भीतर पहुंचाए थे। जिस तरह मुन्ना को 10 गोलियां मारी गई, उसे देखते हुए साफ है कि उसे एक पिस्टल से गोलियां नहीं मारी गई हैं। एक दूसरा पिस्टल भी रहा है। जेल की मिली भगत से ये जेल में पहुंची और फिर एक ही पिस्टल 2 गेट पार करने के बाद गटर तक पहुंची। यहीं से कारतूस भी बरामद हुए। सभी गेटों पर कड़ा पहरा होता है, लेकिन ये पिस्टल गटर तक पहुंच गई। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सुनील राठी व उसके साथियों ने न केवल वहां जश्न मनाया बल्कि उसकी लाश पर भी गोलियां बरसाई गई। इतना ही नहीं, 2 अलग-अलग फोटो भी जेल से वायरल किए गए। एक फोटो में बजरंगी के मात्र सिर में गोली लगी है और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है। दूसरी फोटो में उसके सीने पर लगी गोली का सुराख साफ नजर आ रहा है।
यानी ये दोनों फोटो अलग अलग समय पर खींचे गए तथा मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद भी उसके जिस्म पर गोलियां दागी गई। बताया जाता है कि जब मुन्ना सिर्फ 14 वर्ष का था तो उसने 250 रुपए में कट्टा खरीदकर गांव के ही भुल्लन सिंह की हत्या कर दी थी। कट्टे से शुरू किए अपराध के सफर के अंत तक वह AK-47 तक रखने लगा था। इस AK-47 से ही मुन्ना बजरंगी ने विधायक को भुना था। माफिया मुख्तार अंसारी की नज़दीकी वह विधायक की हत्या के बाद उसका अपराध की दुनिया में खासा दबदबा हो गया था। आरोप है कि मुख्तार के कहने पर ही मुन्ना बजरंगी ने पहली बार सियासी मर्डर किया कैलाश दुबे का, जो ब्लॉक प्रमुख और BJP का नेता था। दरअसल अपराध से बजरंगी ने खूब कमाई की, लेकिन पैसा नेताओं और पुलिस अफसरों के जरिए ही इन्वेस्ट किया। मुन्ना बजरंगी ने न सिर्फ मुख्तार के साथ मिलकर PWD सड़क और रेलवे के ठेके का कॉन्ट्रैक्ट लेता था, बल्कि अकेले भी इस धंधे में पैर जमा चुका था। UP, मुंबई और झारखंड में उसकी कई प्रॉपर्टी हैं, लेकिन गुमनामी में। मुन्ना ने मुख्तार अंसारी की तर्ज पर राजनीति में भाजपा और फिर बाद में कांग्रेस के साथ मिलकर हाथ आजमाने की कोशिश की थी, जिस पर मुख्तार से कुछ मनमुटाव भी हुआ था। कई राज्यों में संगीन मुकदमे दर्ज होने के कारण मुन्ना पुलिस के लिए खासा सिरदर्द बन गया था। उसे भी लगना शुरू हो गया था कि यदि ऐसा ही रहा तो जल्द ही उसका एनकाउंटर भी हो जाएगा। इससे बचने के लिए ही बेहद नाटकीय ढंग से 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि दिल्ली के चर्चित राजवीर सिंह हत्याकांड में भी मुन्ना बजरंगी का हाथ था। मुन्ना का दावा था कि वो अपने 20 साल के आपराधिक जीवन में 40 हत्या कर चुका है। गंभीर बात यह है कि अधिकांश बदमाश जेल में स्वयं को सुरक्षित मानते हुए, लेकिन उसी जेल में मुन्ना बजरंगी को मौत की नींद सुला दिया गया। 2 साल पहले जो सवाल तब उठे थे, वही सवाल आज भी निरुत्तर है। यही कारण है कि सीमा सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने CBI जांच करने के आदेश दिए। बजरंगी के परिजनों को उम्मीद है कि शायद अब जांच पड़ताल में वे लोग जाहिर हो जाएंगे जिन्होंने सुनील राठी के हाथों मुन्ना की हत्या कराई है। हत्या क्षणिक आवेश में न होकर सुनियोजित तरीके से की गई है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हत्या से पूर्व ही सुनील राठी के परिजनों के घरों पर ताले लटक गए थे। संभवतः उन्हें उम्मीद थी कि मुन्ना की हत्या के बाद उनसे पुलिस पूछताछ कर सकती है। इस खबर में आज इतना ही। देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।